आप इस ब्लेड को लगा ग्लास कट कर सकते हो, लकड़ी आसानी से कट कर सकते हो, लोहा आसानी से कट कर सकते हो, पत्थर कट कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो गाइस, मैं ये मान के चलता हूँ कि गाइस आपको काफी मजा आता है प्रोजेक्ट देखने में, प्रोजेक्ट बनाने में। अगर आप टेक्निकल लाइन से हो, मैकेनिकल लाइन से हो, और गाइस आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते रहे तो मेरी तरह आपके हाथों में खुजली होती रहती है। तो गाइस, आपको कटिंग के लिए एक कटिंग मशीन चाहिए प्रॉपर वे में। भाई अगर आप ऑनलाइन देखते हो, अमेजोन पे देखते हो, फ्लिपकार्ट पे देखते हो, गाइस 10,000, 20,000, 15,000, 40,000, 50,000 तक फ्रेंड्स कटिंग मशीन के टेबल सा मिल रही है। भाई इतनी कॉस्टली हम क्यों रहे? तो गाइस आज इस वीडियो सिंपल टेबल सा बनेंगे जो फ्रेंड बहुत बन जाएगी, और गाइस उसमें कुछ ऐसे फीचर ऐड करने वाले फ्रेंड्स आपके डे लाइफ में बहुत काम आएंगे। प्लीज दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच करके बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। चलेगा, चलते अपने टॉपिक पर, समर एक्सपेरिमेंट। तो चले गाइस फटाफट पहले इसमें मार्क लगा लेते हैं। अब फटाफट इस बोर्ड को कट करते हैं। A few moments later. तो गाइस काफी मेहनत मजदूरी करने के बाद ये मैंने पार्ट कुछ कट कर लिए हैं। फटाफट गाइस मैं इनके आपको डायमेंशन बताता हूँ। एक पार्ट एक्स्ट्रा है, देखे ये वाला, ये टॉप का है। तो गाइस ये बॉटम का है। पहले आपको मोटी मोटी डायमेंशन बता देता हूँ कितनी कितनी सेंटीमीटर का। गाइस दो पार्ट है हमें, एक की बताऊंगा तो निकल जाएगी 15 इंच, ठीक है, और इस तरह से 8 इंच दोनों पार्ट देख सकोगे। इन दोनों के एक है बिल्कुल, पौने 11 इंच, ये 11 इंच मान के चलो, और भाई 8 इंच। तो फ्रेंड्स इनकी जो चौड़ाई है वो सेम है, और भाई ये बॉटम का है, इसे आप बाद में काट सकते हो या बाद में लगा सकते हो इन्हें जोड़ने के बाद। और भाई ये है इसका टॉप का पार्ट जो गाइस देखिए, यह है 50 सेंटीमीटर या 25 इंच, और भाई ये रहा अप्रोक्स 16 इंच। तो गाइस ये टॉप का पार्ट है, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, भाई काफी सोच समझ के इसे कट करें। जो मेटल आप कट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे कट करें। फटाफट गाइस हम इनका भाई बनाते हैं बॉक्स। तो ले जाए गाइस हमारे बॉक्स बन चुका है, काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग ताकतवर पहलवान। और भाई अब इसको ऊपर आते हैं, मतलब हम इसको ऊपर नहीं आएंगे, ये इसको ऊपर आएगा। यहाँ पर मैं इसे दरवाजे की तरह, गेट की तरह ओपन एंड क्लोज कर सकता हूँ, कैसे, कब्जो का यूज करके। गाइस ये दो हिंज हैं जो कि भाई 3 इंच में, काफी हैवी आई थिंक 14 गेज की चादर में है। तो भाई हम इसे यहाँ लगाने वाले हैं जिससे हम इसे ऐसा खोल सकें, काफी बेनिफिट मिलेंगे। उसके बाद फिर इसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पाएंगे, पहले फटाफट इसे लगाते हैं। तो गाइस ये बन गया है, यहाँ पे मैंने अच्छे से टाइट कर दिए, और भाई देखिए अब आते हैं गाइस इसके मोटर पर। फ्रेंड्स आप लोग जानते हो भाई टाइम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यानी भाई समय ही पैसा है। और फ्रेंड्स जिन लोगों को भाई समय की अहमियत पता है भाई उनके लिए मैं आया हूँ भाई पारी मैच। फ्रेंड्स पारी मैच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अपनी फेवरेट टीम के रिजल्ट पर प्रेडिक्शन लगानी होती है। फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इजी और फास्ट है, बस कुछ ही क्लिक्स में आप गेम के अंदर होते हो। भाई पारी मैच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर किसी के टेस्ट के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर डिपॉजिट की जरूरत भी भाई बहुत कम है, पारी मैच की सर्विस भी बहुत फास्ट है, यानी 24/7 है। और फ्रेंड्स यहाँ पर डिपॉजिट करने के भाई हजार ऑप्शंस मिल जाते हैं, और भाई विड्रॉल करने के भी हजार ऑप्शंस मिल जाते हैं। भाई आपको क्रिकेट के लेजेंड डेल स्टीन के बारे में तो पता ही होगा, वो भी भाई पारी मैच पर खेलते हैं। I play on Perry match. Do you? Yeah. और फ्रेंड्स कमाल की बात ये है कि भाई जो न्यू यूजर्स हैं उनके लिए 20,000 का स्पेशल बोनस है। सिंपली भाई आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाकर आपको साइन अप करना है। फ्रेंड्स अगर आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करते हो तो भाई आपको फर्स्ट डिपॉजिट पर 150% का बोनस मिलेगा। भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए, और भाई अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 150% का बोनस पाइए। भाई इसका लिंक मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है। तो गाइस 775 12 वोल्ट डीसी मोटर। गाइस ये अलग अलग टाइप के डीसी मोटर हैं, देखिए किसी की शाफ्ट लंबी है, किसी के भाई ड्यूअल शाफ्ट है, ये ड्यूअल शाफ्ट में है। गाइस देखिए ये थ्रेडिंग वाला, इसमें चूड़ी बनी हुई है। अब गाइस सबसे हाई टॉप का जो मेरे पास मोटर है वो फ्रेंड्स वाला, जो की देखिए यहाँ पे थ्रेडिंग बनी हुई है, फ्रेंड्स के अंदर बेयरिंग भी है। तो गाइस दिक्कत है कि भाई देखिए यहाँ पर जो है ना, हम इसे यूज में नहीं ले सकते इसकी थ्रेडिंग के मारे, एक फ्रेंड अडाप्टर हम लगाएंगे यहाँ पर, तो भाई बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम कौन सा लें? तो गाइस मैं इनमें से भाई कोई भी ले लूंगा। हाँ ये ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए साइज थोड़ा छोटा है, और फ्रेंड्स इसकी शाफ्ट थोड़ी लंबी है, खैर शाफ्ट तो हम बाद में देखेंगे। इस मोटर में खास बात ये भी है कि गाइस साइज छोटा तो है ही, साथ में इसमें बैरिंग है, बुश नहीं है, ठीक है, बैरिंग की काफी हाइट हो, बिल्कुल स्मूथ चलते हैं, बुश जल्दी घिस जाता है, तो बैरिंग की जो लाइफ है काफी लंबी होती है। इसके अंदर काफी पतला वायर की वायरिंग है, तो गाइस मैं निकाल लूंगा और फटाफट इसे भाई तगड़ा बनाता हूं, बिल्कुल हाई टॉर्क और हाई आरपीएम। तो गाइस फटाफट भाई देखिए ये 4 पॉइंट है, हम इसे जल्दी से खोल लेते हैं।
तो भाई इसके अंदर जो वायर था वो लगभग 31 SWG का था, स्टैंडर्ड वायर गेज। ये निकला इसका आर्मेचर। भाई अब हम वो जो वायर यूज करेंगे ये है 25 SWG का, थोड़ा सा हैवी है, देख सकते हो बिल्कुल मस्त। थोड़ी सी पावर कंजप्शन तो बढ़ जाएगा लेकिन फ्रेंड्स हाई टॉर्क और हाई आरपीएम हो जाएगा। वैसे गाइस हमें कोई लंबे समय तक नहीं चलानी मशीन, ये थोड़ा चलानी है, कट करनी है और बंद कर देनी है। और भाई इसके रेट बता दूं, 100 ग्राम 80 रुपए का मैं लेकर आऊं रोलर समेत। तो फटाफट से लगाना शुरू करते हैं। तो लीजिए गाइस ये कंप्लीट हो गया है। काफी मेहनत लगती है, थोड़ा तार खींच करना पड़ता है, तो गाइस अंगूठे में दर्द हो जाएगा। जब ट्राई करोगे तब आपको पता लगेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें टन लगाए हैं 19, ठीक है 19, देखिए 19 टन लगाए हैं। इससे ज्यादा अगर लगाओगे तो भाई वायर निकल जाएगा, बहुत सारी दिक्कत आएंगे आपको, देख सकते हो फुल है ये। तो भाई फुल इसमें आ रहा है 25 SWG का वायर है। और गाइस ज्यादा सिर्फ 15 रुपए का वायर लगाया, मैं भी ज्यादा बता रहा हूँ 10 रुपए का इसमें वायर लगाओगा, देखिए पूरा वायर बच गया मेरा। चलो भाई अब फटाफट से फिट करते हैं। तो गाइस इस मोटर को खोलना ज्यादा मुश्किल, लगाना है वापस फिट करना है। तो गाइस मैंने जितनी वो कसरत थी मुशक्कत अरे कहना क्या चाहते हो, तो मतलब जितनी मैंने उठाई है परेशानियां मैंने काफी आराम से लगाया। अगर ये थोड़ा टेढ़ में लग गया तो गाइस मोटर की स्पीड फर्क आ जाए, आप देखिए बड़ा घूम रहा है बिल्कुल सकते। और भाई मैं आपको इसका टॉर्क दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये वाला मोटर है, ये पुराना है और फ्रेंड्स ये हमने बनाया है, दोनों सेम है। और मैं इसका एक कवर हटा देता हूँ पहले आपको, जब लगेगा देखिए दोनों की शाफ्ट बिल्कुल सेम है। ये पुराना वाला है जिसमें वाइंडिंग थी ऑलरेडी, लेकिन फ्रेंड इनमें वाइंडिंग चेंज कर दी है। दोनों आपको फर्क दिखाऊंगा, पहले मैं आपको इसकी वायरिंग दिखाता हूँ। इसकी वायरिंग देखिए कितनी मोटी है और इसकी वायरिंग देखिए। अब गाइस इसका टॉर्क देख लेते हैं, भाई आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे। ये 12 वोल्ट की बैटरी में यूज कर रहा हूँ। इसका टॉर्क देखिए पहले, देखिए देखिए मैंने हाथ से रोक लिया, देखिए देखिए ठीक है। अब भाई इसे देखते हैं जो कि फ्रेंड्स हमने अभी भी ताजा ताजा बनाया है, देखिए। ओ भाई साहब, भाई हाथ से रोकने की कोशिश में बिल्कुल नहीं करूँ फ्रेंड्स, हाथ में लग जाएगी। और मैं आपको बल्कि प्लाट्स रोक के दिखाता हूँ अगर रुक जाए, देखिए। तो गाइस बहुत हाई टॉर्क इसका हो गया है, पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा लेगा, लेकिन जिस पर्पज से हमने इसे बनाया है उसके लिए मस्त काम करेगा। अब भाई फटाफट इसे फिट करते हैं। तो भाइयों और भाइयों ये लग चुका है काफी मजबूती से। अब भाई यहाँ पर लगाना है मैं एक अडेप्टर। तो भाई ये है अडेप्टर और फ्रेंड इसका नाम भाई आप खुद ही पढ़ लो, भाई ये राज का नाम, कितना लंबा नाम है, ठीक है। तो भाई मैंने सोचा वैसे फ्रेंड्स मैं तो इसे अडेप्टर ही कहूंगा, तो भाई आप जो मर्जी आर्मर वार्मर इसे कह सकते हो। और भाई इसके रेट दिखा दो, बहुत चीप मिलता है, 244 का है। हाँ यहाँ पे देख सकते हो 244। अगर भाई इसे नहीं लगाओगे तो फ्रेंड जो हमारा ब्लेड है ना वो इधर जिगजैग डांस करेगा, है ना। तो मैं इसे लगाता हूँ, यहाँ पे एलन बोल्ट है, ये एलन की है, यहाँ पे मैंने इसके अंदर होल कर दिया फ्रेंड्स इसके अंदर चला जाएगा ना, देखिए यहाँ से ये होगा टाइट, घुमा देते हैं और यहाँ से होगा ये टाइट, बस बढ़िया। और भाई ये रहे कुछ अटैचमेंट, और गाइस ये रहा वुड कटिंग ब्लेड 110 mm। और भाई जैसे मर्जी आप लगा सकते हो, सपोज कि मेरे लगाएंगे तो हम इसे पलटेंगे, तो भाई इसे सेंटर में रखेगा, इसके साथ ही मिलता है। गाइस एक बात और, इससे बड़ा ब्लेड भी आता है। फिलहाल गाइस हम इसे पीवीसी शीट कट करने के लिए बना रहे हैं इस मशीन को। अगर आप इससे बड़ा ब्लेड लगाओ फ्रेंड 8 इंच 7 इंच एक ब्लेड आता है बड़ा फ्रेंड, आप लकड़ी कट करने के लिए कर सकते हो। छोटा ब्लेड होगा फ्रेंड टॉक हाई लगा सकेगा मोटर, बहुत इजीली कट जाएगी शीट। चलिए अब फटाफट इसे फिट करते हैं। तो गाइस ब्लेड मैंने बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे लगाया है, ये सही एंगल पे लगना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, जो आपका जॉब है वो टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। तो गाइस इस मोटर को पावर देने के लिए मैं SMPS का यूज करूंगा जो 20 एम्पियर 12 वोल्ट की है। और गाइस चाइना का माल है भाई, पता नहीं 20 एम्पियर 18 वैसे मैं चेक कर सकता हूं, लेकिन इतना बहुत हम भरोसा कर सकते हैं। तो भाई मैं इसे लगाने वाला हूं और फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ा अलग टेक्निक से लगाऊंगा, तो भाई आप टेक्निक देखते रहिए मजा आएगा। भाई साहब मैंने सारे कनेक्शन कर लिए हैं, देखिए बहुत इजी कनेक्शन है। ये जा रहे हैं मोटर के बाहर, जो कि मैंने एक स्विच दिया है इसमें,
इधर स्विच है और भाई देखिए एक वायर इधर गया, देखिए ये आउटपुट मैं इस पावर सप्लाई से ले सकूं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसे इसमें फिक्स कर दूंगा। बाय चांस अगर मुझे जरूरत पड़ी पावर लेने की तो भाई मैं इसे निकालूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट यहां से पावर ले लूंगा 12 वोल्ट 20 एम्पीयर तक के लिए। तो भाई ये स्विचेस का ऑन ऑफ करने के लिए गाइस फटाफट मैं इसे फिट करता हूं। और मैं देखिए एक बात और आपको बहुत मेन चीज है, ये एग्जॉस्ट फैन है ठीक है। तो गाइस देखिए यहां पे मैंने होल कर दिया है और यहां से ये फैन हवा लेगा, जिस तरह से पूरा एसएमपीएस कूल होगा ठंडा होगा। देखिए यहां मैंने छोटे छोटे होल कर दिए हैं, तो गाइस मैं इसे बिल्कुल बंद करने वाला हूं, वरना इसके अंदर ये लकड़ी का जो बुरुदा है वो भर जाएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, फैन हमारा स्टक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो मैं भाई ऐसा करूंगा इसके अंदर जाए ही नहीं, तो मैं इस पावर सप्लाई को इस तरीके से लगाऊंगा, देखिए ये सब जगह से बंद हो जाएगी, बस यहाँ से आउटपुट निकलेगा और यहाँ से हवा ले लेगा, यहाँ से निकाल लेगा, तो गाइस कूल होगा, इसके अंदर कबाड़ा बुरुदा नहीं भरेगा और ये पावर सप्लाई सेफ रहेगी। तो गाइस ये मैंने प्रॉपर चिपका दिए थे, वायरिंग कर दी अच्छे से, बिल्कुल फिक्स कर दिया है। इस ब्लेड से मैं इसको कट करूंगा, जिसे फ्रेंड्स अपनी जगह खुद चुन ले ठीक है। तो भाई मैं इसे बंद को इस तरीके से चलाने के बाद पहले आपको इसकी स्पीड दिखाता हूँ, स्पीड बहुत हाई हो चुकी है फ्रेंड्स, एम्बर काफी हाई है, चलाते हैं। क्या हाई स्पीड है बॉस, देखिए ऐसा मजा आ गया। अब हम इसे कट करके देखते हैं, ले जे। चार सूत की प्लाई कितनी आसानी से न कट कर दी, इसने अपनी जगह खुद बना ली है। और गाइस यकीन मानिए पीवी शीट को बहुत इजीली कट कर दिया भाई, जब इसने इतनी मोटी प्लाई आसानी से कट कर दी है। अब भाई इसकी आप ऊंचे देखिए, अप्रोक्स हाफ इंच बाहर निकला हुआ है, इतना इनफ है। अगर आपको इससे बड़ा कुछ पीस है जो कट करना हो तो गाइस आप बड़ा ब्लेड लगा सकते हो, काफी बड़ा ब्लेड भी आता है। तो गाइस अब इसमें एक गाइड बनाना, जो भाई हम अपने हिसाब से एक बिल्कुल प्लेन शीट या कुछ भी जो हम कट करना चाहते हैं वो कट कर सके। तो गाइस मैंने एक लकड़ी देखी बनाई है और गाइस आप मेहनत भी देख सकते हैं यार, कितनी चिकनी मैंने कर दी है। मैं इस तरह से इसे स्लाइड सिस्टम करूंगा इसमें ठीक है, जो फ्रेंड इस तरह से स्लाइड हो जैसे गाइस होती है। तो ले गाइस ये कंप्लीट हो चुकी है, देखिए पकड़ने के लिए मैंने दो हैंडल लगाए हैं। एक दिक्कत है गाइस, इसे आप कैसे क्लोज करोगे, देखिए एक आपको बहुत बड़ा फायदा बताने वाला हूं गाइस, प्लीज बने रहिए वीडियो में। देखिए सब कुछ आपके सामने है बिल्कुल लाइव, कोई भी हेरा फेरी नहीं ठीक है। तो भाई अभी से बंद करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर एक होल कर दिया है और भाई ये स्क्रू है, क्योंकि फ्रेंड्स समय से खोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो भाई इस मारे इसे लगा दे। हाँ इसे खोल भी सकते हैं, इसको क्लोज कर लो भाई, इसे खोल लो, देखिए स्क्रू इसके अंदर चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई सबसे बड़ा फायदा देगा इस, आप इस ब्लेड को लगा इसे ग्लास कट कर सकते हो, लकड़ी आसानी से कट कर सकते हो, इससे भी कट कर सकते हो, लोहा आसानी से कट कर सकते हो, पत्थर कट कर सकते हो, फ्रेंड अलग टाइप के ब्लेड आते हैं आप चेंज कर सकते हो। चलेगा एक एक करके आपको सारे मेटल चेक करूंगा, प्लीज दोस्तों बने रहिए। भाई आपको कुछ नहीं करना, बस सीधी ये लगानी है, सप्लाई चालू की है। यहाँ पे गाइस देखिए आपको आवाज आ रही होगी, मैं माइक लगाता हूँ, ये गाइस फैन चल रहा है पावर सप्लाई का, यहाँ पे स्विच है और भाई यहाँ पे एक अलग से मैंने सॉकेट दिया है, यहाँ से फ्रेंड आप 12 वोल्ट 20 एम्पीयर तक का यहाँ से करंट ले सकते हो। और भाई इसका ऑन ऑफ का जुगाड़ है, अभी चालू करते हैं। ले भाई क्या मस्त स्पीड है बॉस भाई, लेकिन पहले सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी पहले है। अब भाई हिसाब कर सकते हो एडजस्ट अपने हिसाब से, यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया था नटों में, तो आपको किसी भी चाबी जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए भाई अब टेस्ट करते हैं, ये गाइस काफी हैवी लकड़ी है ये वाली, इसमें मैंने कट की थी, देखिए भाई साहब टूटने की भी नहीं है, काफी मजबूत है। मक्खन भाई ये रहा एम डेबोट, इसे कट करके देखते हैं। दोस्तों प्लीज सेफ्टी का ध्यान पहले रखें, जैसे मैंने चश्मा पहन रखा है गूगल्स और भाई हाथ में ग्लव्स पहने। बिल्कुल सीधा आप इससे कट कर सकते हो, इधर खैर गाइस आपको पता है, अगर आपको ज्यादा कट करना हो आप इसे थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हो। भाई ये है पीवी शीट, इसे कौन नहीं जानता, चालू करते हैं। अरे वाह
दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया, बिना रुके आराम से इनने पीवी शीट कट कर दी है। गाइस मैंने आपको लकड़ी कट करके दिखा दी है, पीवी शीट भी कट करके दिखा दी है। गाइस अब मैं आपको थोड़ा सा लोहा कट करके दिखाता हूँ। और भाई इसके लिए हमें ब्लेड चेंज करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे ये स्क्रू ओपन कीजिए। ब्लेड चेंज करना बहुत ईजी है, ये इसके साथ जाते हैं टूल इसके। तो भाई यहाँ पे लगाया और भाई ऐसे स्क्रू को वापस लगा दो। बस गाइस ये हो गया लोहा कट करने का। कोई भी शीट कट करनी हो, बिल्कुल सीधी, कोई भी आपको सरिया कट करना हो, कट करके देख लेते हैं। तो गाइस मैंने ग्लव्स पहन लिया हाथ में और भाई कुछ लोहे का सामान, देखिए काफी हैवी पत्ती है। और भाई ये साइकिल की स्पोक दिल्ली चालू करते हैं। आसानी से भाई लोहे की पत्ती कट करके देखते हैं। देखिए बहुत प्यार से कट कर दिया गाइस, लोहा भी कट गया, लकड़ी भी कट गई। गाइस अब काटते से ग्लास। तो भाई ये रहा ग्लास और भाई मैंने ब्लेड चेंज कर दिया है, ग्लास वाला लगा दिया है। देखिए भाई यहाँ से कोना बिल्कुल राउंड में कट दिया है। चलाता हूँ। तो गाइस आप इस पर हर तरह का काम कर सकते हो, ग्लास कट कर सकते हो, लकड़ी, लोहा, टीन, टब्बर, कोड़ा, कबाड़ा, सब कुछ कट कर सकते हो यार। मतलब बचा गया जो बचा फ्रेंड्स, आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख देना इससे क्या कट नहीं होगा। हीरे को छोड़ के अब आते हैं भाई, इसके अंदर कबाड़ा भर चुका है, सफाई कैसे करनी है वो है बहुत ईजी है बच्चा। यहाँ से आपको स्क्रू देखिए, मैं आपको नया एक टेक्निक बताऊंगा, नया टेक्निक भाई इस तरह देखिए। लीजिए आपकी खिदमत में पेश कबाड़ा। इसे भाई हाथ से मत पकड़े क्योंकि इसमें ग्लास के पार्टिकल्स भी हैं छोटे छोटे, जो कि जो बात है गाइस अच्छी तरह से साफ हो चुका है। आप इस कूड़े को उठा सकते हो और चाहो तो गाइस इस तरीके से नीचे गिरा सकते हो और भाई से बंद कर। आयो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, इस तरह देने मुझे इसमें लगे काफी मेहनत हुई यार, यकीन मानिए भाई काफी मेहनत लगी है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भाई काफी पैसे ये आपकी मशीन बचा देगी। अगर आप मार्केट से लाते हो फ्रेंड्स अभी तक कंप्लीट ठीक कर सकते हो, कुछ भी इसका खराब होगा आप ठीक कर सकते हो। मार्केट में फ्रेंड खराब होगा पार्ट्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि चाइना का माल होता है, ये आपका देसी होममेड जुगाड़ है। तो फ्रेंड्स आप आराम से बनाइए, 100% वर्किंग है और सस्ते बन जाएगी। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करें और भाई इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके दोस्तों के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए और भाई अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 150% का बोनस पाइए।